नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन अब कालकाजी से जनकपुरी वेस्ट के लिए खोल दी गई है। पहले लाइन नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से कालकाजी के लिए खोली गई थी। इस रूट पर कुल 25 मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन इस रूट पर एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां आम यात्री नहीं उतर सकेंगे। ये मेट्रो स्टेशन है शंकर विहार। 29 मई को जब इस रूट को पब्लिक के लिए खोला गया तो कुछ यात्री शंकर विहार मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा CISF के हवाले होती है, लेकिन शंकर विहार मेट्रो स्टेशन के अंदर बाहर आर्मी के जवान तैनात हैं। इस मेट्रो स्टेशन पर उतरने वाले लोगों को आर्मी वाले ID कार्ड चेक करते हैं, और जो लोग इस इलाके में रहते हैं या यहाँ काम करते हैं सिर्फ उन्हें ही इस स्टेशन से बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। ऐसे यात्री जिनके रिश्तेदार शंकर विहार इलाके में रहते हैं या फिर वो किसी काम के लिए आते हैं, उनका बाकायदा पूरा वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलने दिया जाता है। बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। दरअसल वसंत विहार और टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट के बीच पड़ने वाला शंकर विहार मेट्रो स्टेशन आर्मी के प्रतिबंधित एरिया में बना है, जहां असैन्य लोगों के आने जाने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। इस मसले पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC का कहना है कि आर्मी एरिया होने के कारण यहां पहले से ही बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, इसलिए इस स्टेशन से एग्जिट केवल वही लोग कर सकेंगे जो इस एरिया में रहते हैं या यहां काम करते हैं। बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी शर्त पर जमीन दी थी कि इस मेट्रो स्टेशन पर बाहरी लोगों को आने जाने की परमिशन ना दी जाए।